फिल्म इंडस्ट्री में जब भी ममता के किरदार के अगेंस्ट किसी भी माँ का नाम आता है तो सबसे पहले निरूपा रॉय का चेहरा सामने आता है। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 में हुआ। का नाम कोकिला किशोर चंद्रा अलसरा था। निरूपा रॉय ने सिर्फ 15 साल की उम्र में कमल रॉय से शादी कर ली, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, योगेश और किरण। सन 1946 में निरूपा रॉय और उनके हस्बैंड कमल रॉय ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें लिखा था कि एक्टर्स की जरूरत है, और वहीं से शुरुआत हुई निरूपा रॉय के एक्टिंग करियर की। गुजराती फिल्म रानक देवी से निरूपा रॉय ने अपना पहला डेब्यूट परफॉर्म किया, और उसी साल हिंदी फिल्म अमर राज में भी निरूपा रॉय का अदाकारी देखी गई। लेकिन सन 1953 के विमल रॉय की फिल्म दोबे का जमीन में निरूपा रॉय की अदाकारी का लोहा सभी ने माना। हालांकि 40 से 50 की दहाई में निरूपा रॉय ने बहुत सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी परफॉर्म किए। फिल्म में पर्दे पर निरूपा रॉय ने देवी का किरदार न स्ट्रॉन्ग निभाया था कि लोग उनके घर पर आते थे और उनका आशीर्वाद मांगते थे। उस जमाने के एक्टर भरत भूषण, लौ कपूर, बलराज साहनी और अशोक कुमार ने भी निरूपा रॉय के साथ बहुत काम किया। पर 70 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री का रुख बिल्कुल चेंज हो गया। भारतीय सिनेमा रोमांस से एंग्री यंग मैन की तरफ बढ़ रही थी। अब ऐसे में अमिताभ बच्चन की स्क्रीन इमेज विजय के रूप में बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन विजय की मां के रूप में निरूपा रॉय का ही नाम चमका। सन 1975 की फिल्म दीवार में निरूपा रॉय ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां का किरदार निभाया, और उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि आने वाली कई फिल्मों में निरूपा रॉय ने मां का किरदार ही निभाया। सिल्वर स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के साथ निरूपा रॉय का मां बेटे का रिश्ता इतना पॉपुलर हुआ कि सन 1999 में लाल बादशाह फिल्म के अंदर भी निरूपा रॉय अमिताभ की मां का रोल किरदार अदा कर रही थी। निरूपा रॉय को फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। जब जब फिल्म दीवार में शशि कपूर का डायलॉग जब तक मेरे पास माँ है सुनाई देगा, तब तक निरूपा रॉय का ही चेहरा व्यूअर्स के दिमाग में आएगा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में निरूपा रॉय का नाम और एक खास मुकाम हमेशा रहेगा।